दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और अभी टाइम हो रहा है, दिन के 3 बज रहे हैं और मैं अभी आ चुका हूँ वसंत कुंज साइड में हूँ। अभी मैं लंच के लिए यहाँ गाड़ी रोकी है, 1 घंटा यहाँ पर गाड़ी को रेस्ट देंगे और 1 घंटे के लिए लंच का रेस्ट मतलब लेना भी ज़रूरी होता है शरीर को, क्योंकि अगर कंटिन्यू गाड़ी चलाओगे तो फिर कई तरह की प्रॉब्लम मतलब हो जाती है बंदे की, मतलब बैक में पेन होना ज़्यादा, अगर आप मतलब कंटिन्यू 10 से 12 घंटे ड्राइव करते हैं तो ये प्रॉब्लम मतलब वो है कि हो सकती है। तो कभी भी आप ड्राइव करते हैं 1-2 घंटे में गाड़ी से बाहर निकले, रेस्ट दे अपने आप को भी 2-4 मिनट के लिए बाहर खड़े हुए, जिससे क्या है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो बैक पेन की शिकायत होती है वो होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर वसंत गुंज में हूँ और दोस्तों आजकल आप देख ही रहे होंगे पेट्रोल CNG के दाम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो अब क्या है कि पहले ये होता था कि पेट्रोल के जैसे रेट बढ़ते थे तो CNG के रेट उतने ही रहते थे, 42-41, 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले यही रेट था। तो 80 तक पेट्रोल आ गया था, तब लोगों के पास ऑप्शन था कि उनको शिफ्ट होना था CNG में। CNG कई मतलब कई जो व्हीकल वाले प्राइवेट ले लीजिए, चाहे कमर्शियल ले लीजिए, कमर्शियल तो ऑलरेडी CNG में रहती है, पर मोस्टली प्राइवेट व्हीकल वालों ने CNG में अपनी गाड़ियां कन्वर्ट करा ली। बट अब जो रेट आप देख ही रहे होंगे सिर्फ 10 से 15 रुपए तक का, 20 रुपए तक का, दिल्ली में 20 रुपए आप देख लीजिए और 20, और बाहर जगह तो कई जगह ये होता है कि 10-15 रुपए का ही अंतर रहता है CNG और पेट्रोल का। तो अब मतलब पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बिना AC के गाड़ी में आप रह नहीं सकते। ठीक है, CNG के दाम इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं कि कमाई मतलब जितनी होती है उस हिसाब से नहीं हो रही है, हो रही है पर ये लगा लीजिए जो हमारी सेविंग थी वो बिल्कुल डाउन हो गई है। तो मतलब कल मैंने NDTV इंडिया पे भी एक न्यूज़ चैनल था जिसमें एक ऑटो ड्राइवर का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उससे भी इंटरव्यू में वो खुद बता रहा था कि अर्निंग अच्छी खासी होती थी पर अभी भी अर्निंग होती है बट वो सेविंग घट गई है क्योंकि पेट्रोल और CNG के जो प्राइस बढ़े हैं जिसकी वजह से। तो अब क्या है कि हमारी सेविंग बहुत कम हो गई है, तो 1000-1000 रुपए की अगर CNG हम लोगों की गाड़ियों में लग जाएगी तो फिर गाड़ी का अलग खर्चा है वो मतलब काफी बर्डन हो जाता है। तो अभी क्या है कि अभी लोग अब इलेक्ट्रिक पे ज्यादा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पे आने की, तो काफी मतलब भाई जानना भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक दिल्ली के रोडों पे सक्सेस है कि नहीं। तो अभी तक का जो फीडबैक दोस्तों मैंने मतलब सुना है तो इलेक्ट्रिक ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि अभी इनके इलेक्ट्रिक आपका सक्सेस तभी रहेगी। अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक उसमें ब्लू कंपनी है जो कमर्शियल उसमें चल रही है, तो इलेक्ट्रिक में वो शिफ्ट हुई है, ओला ने इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, पर इन सब चीज़ों की ना एवरेज कुछ नहीं है और काफ़ी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनमें कई शिकायतें मिल रही है, सडनली आग लग जाती है इनमें। ठीक है, तो पूरी मतलब आप एक 100% श्योरिटी नहीं कह सकते और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप एक लिमिट तक बन जाओगे। ठीक है, 160 किलोमीटर की शायद ये जो ब्लू कंपनी की गाड़ियां चलती है, वो एक भाई से मैंने पूछा था तो उसने बताया था 160 किलोमीटर तक की ये चलती है एक बार चार्ज होने पे। तो 160 आप खुद सोचिए, 160 किलोमीटर मतलब क्या ये मतलब वो देगी हमें एवरेज, क्योंकि ये गाड़ियां सक्सेस इलेक्ट्रिक में तभी होगी दोस्तों जब इसका प्रॉपर तरीके से एक स्टेशंस बनाया जाए चार्जिंग के, या चार्जिंग के स्टेशंस की जगह सबसे बेटर यही होगा कि इसमें आप बैटरी रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम हो कि भाई आपकी गाड़ी में ये बैटरी है और उसको ग्रेड में डिवाइड कर दे, ए कैटेगरी की आपकी बैटरी है, बी कैटेगरी की है, सी कैटेगरी की है। तो अगर आप किसी भी जैसे आपका चार्जिंग खत्म हो गया आप दूसरे फिलिंग स्टेशन पे जाओ वहां पर आपको उसी ग्रेड की आपकी बैटरी रिप्लेस करके दे दी जाए, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक आने वाले टाइम में सक्सेस हो सकती है। बट अभी जैसे हिसाब से मतलब अभी कोई चार्जिंग स्टेशन वगैरह इसके नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट तो काफी सब्सिडी दे रही है, आपको पता ही है, मतलब 25-25 हजार की ऑटो में भी सब्सिडी मिल रही है, हर चीज में सब्सिडी दे रहे हैं, पर इस चीज की गारंटी क्या है कि आप लोग पहले पब्लिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद बिजली के रेट बढ़ा दो, फिर बात तो वही हो जाएगी पेट्रोल और उस पर। तो ये सब चीजें हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक उसमें सक्सेस मतलब ज्यादा नहीं है, क्योंकि
क्या होता है कि हम लोग, हमारी टैक्सी गाड़ी है, अब हमें सपोज दिल्ली में हम चल रहे हैं, हमारे पास सडनली आउट स्टेशन की बुकिंग आ जाती है, तो हम उस गाड़ी को आउट स्टेशन नहीं ले जा सकते, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास सीएनजी है प्लस पेट्रोल है, सीएनजी चलो नहीं मिल रही गई तो पेट्रोल है गाड़ी में, तो हम पेट्रोल से ही आगे चले जाते हैं जहां, और फिर आगे कहीं ना कहीं हमें सीएनजी का स्टेशन मिल जाता है तो हम सीएनजी से फिर दोबारा से चालू हो जाता है। अब इसमें चार्जिंग वाले उसमें क्या है कि आप इस उसमें फंस जाते हैं कि मतलब आप तो लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, कहीं भी ले जा नहीं सकते, एक लिमिट आपके उसमें बन जाती है, तो ये बड़ी बहुत ज्यादा समस्या है। जब तक ये इसका मतलब प्रॉपर तरीके से चार्जिंग स्टेशन वगैरह नहीं बनते तब तक ये सक्सेस नहीं होगा स्टेशन का वो। तो अभी तो सारी पब्लिक क्या, सब आम जनता जूझ रही है, ठीक है, महंगाई से जूझ रही है कि महंगाई पे कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं है। अभी स्टिल गवर्नमेंट को बस आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में क्या दिखता है, बस हिंदू मुस्लिम, बस यही सब चीज़ें चल रही है। महंगाई के ऊपर कोई मतलब बात करना नहीं चाहता, ना गवर्नमेंट का कोई करना चाहता। और अभी 22 तारीख को हमारी स्ट्राइक हुई थी, 22 के बाद एक हफ्ता हो चुका है, अब एक हफ्ते के बाद क्या होना है क्या नहीं होना कुछ नहीं पता, अभी कोई अपडेट आया नहीं है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं अभी यहाँ पर वसंत कुंज में हूँ, तो आज का जो काम मेरा है वो अभी है 1400 रुपये का मेरा काम हो चुका है टोटल, और अभी शाम तक का जो भी काम होगा उसकी डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगा, कल मेरा कितने का हुआ था, ये सब चीज़ें मैं कल के ब्लॉग में डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, टिल देन बाय।